नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आए हैं आपके सामने लेकर अपना नया वीडियो, और ये वीडियो बनाया है हमने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पर। इससे पहले भी हम 3 वीडियो बना चुके हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के ऊपर, जो हमारे काफ़ी पॉपुलर हुए थे। खासकर जो हमारा पहला वीडियो था FAQ का, वो काफ़ी पॉपुलर हुआ था। उस पर हमने जो हमारे क्लाइंट्स थे, वो जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते थे, वो हमने कवर किए थे। तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम प्रदीप। इस चैनल पर आपने पहले भी मेरे वीडियोस देखे हैं, लेकिन मेरा फेस शायद आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। हमारे काफ़ी क्लाइंट्स थे जिन्होंने रिक्वेस्ट किया कि प्रदीप जी, अगर आप अपना फेस भी लाएंगे तो वीडियो ज़्यादा इम्प्रेसिव होंगे। तो मैंने अपने क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट पे, ये फर्स्ट टाइम मैं आपके सामने आ रहा हूँ अपने फेस के साथ। इससे पहले मेरा मानना था कि कॉन्टेंट्स पर हम फोकस करें रेदर देन फेस, तो ज़्यादा बढ़िया होगा। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन लेट्स सी। फर्स्ट टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर हेयर विद माई फेस। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स में हम जनरली जो रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं उनका आंसर देते हैं। तो अगर आप कोई बढ़िया कमेंट्स करते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर आपको करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों, हम आपके पास बेसिक, इंटरमीडिएट और एक्सपर्ट्स जो वाले क्वेश्चंस हैं, ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी हैं जिसके कॉम्प्लिकेटेड आंसर्स हैं, वो भी लेके आए हैं। और बेसिक लेवल जो क्लाइंट हैं जिनको इनिशियल नॉलेज है, उनके लिए भी कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन आता है इसके अंदर, के कौन कौन से बेसिक साइज हैं नंबर 1, और किस साइज में मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो दोस्तों, इसका आंसर है यमुना एक्सप्रेस वे पर जो स्कीम आई थी 2009 में आई थी, उसमें जो सबसे छोटा साइज था 300 स्क्वायर मीटर, 300, 500, 1000 रेजिडेंशियल प्लॉट्स की बात कर रहा हूँ मैं, 2000 और 4000 स्क्वायर मीटर। तो उसमें सबसे ज्यादा बिकने वाला साइज 300 स्क्वायर मीटर था। उसके बाद यमुना अथॉरिटी और स्कीम्स लेके आई 2015 में, 2016 में, फिर 120 मीटर, 162 मीटर, फिर 200 मीटर के भी प्लॉट्स आए। तो आज की डेट में अगर हम जाते हैं तो हमारे पास फर्दर ऑप्शंस हैं। 90 मीटर का ऑप्शंस है, 60 मीटर का ऑप्शन है। और अगर आप मेरे से पूछेंगे तो ऑब्वियसली बजट तो हर एक आदमी का अलग अलग होता है, लेकिन अगर आपका बजट अच्छा है तो सबसे बेस्ट जो मेरी रिकमेंडेशन है 300 स्क्वायर मीटर की है। और उसका लॉजिक मैं आपको देता हूं। अभी क्या है कि 60 मीटर, 90 मीटर और 120 मीटर में लिमिटेड इन्वेंट्री है। 15 जो लगभग जो 300 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स हैं, उसमें 14-15 हज़ार के करीब प्लॉट्स हैं सेक्टर 18-20 में। सेक्टर 18 में तो पूरा ही 300 मीटर है, सेक्टर 20 में भी काफ़ी पॉकेट्स हैं। एल है, के है, एन है, एम है, ओ है, पी है, ये 300 स्क्वायर मीटर बड़े बड़े पॉकेट्स हैं जिसमें हजार हजार प्लॉट्स हैं। तो इसलिए 300 स्क्वायर मीटर बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि रेट बहुत ही सही रेट निकल के आता है। अगर आप आज की डेट में जो रीसेल का प्राइस देखेंगे तो 300 स्क्वायर मीटर का जो प्लॉट है लगभग 1 करोड़ 90 लाख से स्टार्ट होता है। लोकेशन उसकी अलग हो सकती है, रजिस्टर्ड प्लॉट लगभग 10 लाख रुपए इससे कॉस्टली आएगा। अगर अनरजिस्टर्ड 1,90 का है तो रजिस्टर्ड लगभग 2 करोड़ से स्टार्ट है। लेकिन अगर छोटे प्लॉट्स में जाएंगे, 162, 120, 90, 60, तो वहाँ पे एक तो ऑप्शन केवल रजिस्टर्ड का ही है, अनरजिस्टर्ड में ट्रांसफ़र नहीं है, अथॉरिटी ट्रांसफ़र नहीं करती है, पहले अलॉटी की रजिस्ट्री होगी। इसलिए जो बजट के अनुसार, तो जिसका जैसा बजट है तो वो 162 मीटर भी लेगा, 120 भी लेगा, 90 भी लेगा, 60 भी लेगा। लेकिन अगर किसी का बजट 300 मीटर का है तो ऑब्वियसली उसे 300 मीटर में जाना चाहिए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 162 मीटर का जो आजकल प्राइस चल रहा है वो 1.5 करोड़ का चल रहा है। अब 162 मीटर 1.5 करोड़ का लेना अकलमंदी है या 300 मीटर 1,90 का लेना? सिर्फ 40 लाख रुपए और डाल के आप 300 मीटर ले सकते हैं। अगर कोई 162 का ले रहा है तो डेफिनेटली उसका बजट कंस्ट्रेन है, इस वजह से वो 162 का ले रहा है। अदरवाइज जिसका बजट 300 मीटर है वो 300 मीटर के लिए ही जाएगा। सिमिलरली 120 मीटर के साथ भी यही है, 90 मीटर के साथ भी यही है, 60 मीटर के साथ भी यही है। तो अगर बजट नहीं है तो आप इन ऑप्शंस में जा सकते हैं, छोटे ऑप्शंस में। अगर आपका बजट है तो आप 300 स्क्वायर मीटर में जाएं। दोस्तों, एक और मेजर क्वेश्चन जो सब पूछते हैं, रजिस्टर्ड लेना चाहिए, अनरजिस्टर्ड लेना चाहिए? तो दोनों की अपनी अपनी क्वालिटीज हैं। यमुना में अनरजिस्टर्ड में ट्रांसफर है, अनरजिस्टर्ड में लेने में कोई रिस्क नहीं है। रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड के ऊपर हमारे बहुत सारे वीडियोज हैं। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर जाएंगे, @ स्क्वायर मीटर्स लिखेंगे यूट्यूब में, तो
तो हमारा चैनल आ जाएगा, उसके वीडियोस पे क्लिक करेंगे तो वहां पे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे आपको, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड के ऊपर अलग से एक वीडियो मिल जाएगा। मैं मोटा मोटा रीजन बता देता हूं और आपको समझा देता हूं अनरजिस्टर्ड क्या है, ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा। लेकिन जब अथॉरिटी ड्रॉ निकालती है और सबको अलॉटमेंट लेटर भेज देती है, उस वक्त सारे प्लॉट जो हैं अनरजिस्टर्ड हैं। उसके बाद अथॉरिटी क्या करती है, एक एक लाइन एक एक पॉकेट की डेवलप करती है, सीवर का काम करती है, रोड बनाती है, इलेक्ट्रिसिटी लगाती है, इलेक्ट्रिक पोल्स लगाती है, डिमार्केशन करती है, उसके बाद रजिस्ट्री का लेटर भेज देती है। और उसमें जो बंदा रजिस्ट्री करा लेता है उसका प्लॉट रजिस्टर्ड है, और जो नहीं रजिस्ट्री कराता वो भी अनरजिस्टर्ड है। तो अनरजिस्टर्ड में ऐसे भी प्लॉट हैं जो डेवलप हो चुके हैं, ऐसे भी प्लॉट हैं जो पार्शियल डेवलपमेंट में हैं, और ऐसे भी प्लॉट हैं जहां पे अभी काम शुरू नहीं हुआ है। तो रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड के लिए आप अलग से देख लीजिएगा, मैं अगले क्वेश्चन कवर करता हूं। इसमें एक बहुत मेजर क्वेश्चन जो नए क्लाइंट्स हमसे काफी पूछते हैं कि अगर आज उनको लगता है कि रेट्स बहुत बढ़ गए हैं, वो मेरे से ये पूछते हैं कि एक साल बाद रेट क्या होगा या फ्यूचर में रेट क्या होगा। इसको मैं जो उनके अंदर एक जो कॉन्फिडेंस की कमी है उसको लाने के लिए मैं बता देता हूं कि यमुना में हमारे काफी वीडियोस हैं जो फोरकास्ट के ऊपर भी हैं। हम फोरकास्ट करते रहते हैं, 6-6 महीने के अंदर काफी फोरकास्ट करते हैं। इसमें यमुना में जो मेजर रीजन है अप्रिसिएशन का वो ये है कि यहाँ पे प्लान्स हैं। मैं आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप ग्रेटर नोएडा जाते हैं तो फ्यूचर प्लान्स कम हैं, बेशक डेवलपमेंट है। नोएडा में जाते हैं तो ऑलमोस्ट सैचुरेटेड है। दिल्ली में जाते हैं तो सैचुरेशन बहुत ही हाई लेवल पे है। यमुना में अभी सैचुरेशन नहीं आया है, अच्छे प्लान्स हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, फिल्म सिटी के प्रोजेक्ट हैं, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, एक्सप्रेसवे के किनारे है, एयरपोर्ट एक मेजर प्रोजेक्ट है, उसके अलावा बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। तो ये जो चीज़ मेजर जो प्लान्स हैं ये एक रीज़न है जहां से यमुना एक्सप्रेसवे की इन्वेस्टमेंट एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट है पूरे दिल्ली एनसीआर में। और इसमें कोई शक नहीं कि यमुना एक्सप्रेसवे की जो लैंड प्लॉट्स हैं ये सरपास करेंगे ग्रेटर नोएडा को बहुत जल्दी। और आपका कॉन्फिडेंस इससे आ सकता है अगर हमारे एक साल पहले, दो साल पहले या तीन साल पहले वीडियो देखेंगे, उनमें फोरकास्ट देखेंगे तो सब चीज़ें वैसे ही चल रही हैं जैसे हमने फोरकास्ट किया था। देखिए फोरकास्ट जो है अगर साइंटिफिक हो, सारी चीज़ों को टेबल पे रख के हो, अगर आपकी इन्फॉर्मेशन आप मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गैदर करके तब फोरकास्ट करते हैं तो वो बहुत क्लोज होता है आने वाला जो सीन है उसके बहुत क्लोज होता है, तो उसमें वेरिएशंस की बहुत कम गुंजाइश होती है। तो हम लोगों के पास क्या होता है, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हम टेबल पे रख के तब फोरकास्ट करते हैं, तो हम ज़्यादा क्लोज रहते हैं रैदर देन ऐसे ही गैस करने के या स्पेक्टुलेट करने के। अब जो क्वेश्चन आता है कि क्या होगा एक साल बाद, तो ट्रेंड्स बहुत अच्छे रहे हैं। जो 30-30 लाख के प्लॉट थे वो 1,90,00,000 के हो गए हैं। फ्यूचर में अभी यहाँ पे एयरपोर्ट का उद्घाटन होना है, एयरपोर्ट के टाइम पे भी प्राइस एप्रिसिएशन होना है और एयरपोर्ट के बाद भी प्राइस बढ़ेंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे अयोध्या में भी इन्वेस्टमेंट का चल रहा था, काफ़ी चल रहा था और लोग ये गैस कर रहे थे कि राम मंदिर ओपन होने के बाद रेट्स अयोध्या में जो इतने बढ़ गए हैं डाउन आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहाँ पे और कमर्शियल एक्टिविटीज़ बढ़ गई, रेट्स और ऊपर हो गए। सिमिलरली एयरपोर्ट में अभी क्या हो रहा है कि अभी एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पॉजिटिव सेंटीमेंट्स हैं, इंडस्ट्रीज आ रही हैं, काम चल रहा है, डेवलपमेंट चल रहा है, लेकिन 5-6 बजे के बाद अंधेरा हो जाता है। तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ 24/7 नहीं है, इतनी बड़ी नहीं है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट का रीज़न है, सेक्टरों में काम चल रहा है। लेकिन अगर एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो गया तो होटल्स भी आएंगे, टैक्सी भी चलेंगी, टूरिज्म भी चलेगा, नए ऑफिसेज जो एयरपोर्ट से एसोसिएटेड हैं, एयरलाइंस के ऑफिसेज हैं और आपके टूरिज्म के ऑफिसेज हैं और भी जो एयरपोर्ट से एसोसिएटेड जो छोटे आपके वेयर हाउसेज वगैरह इस टाइप का काफ़ी बिजनेसेस आएंगे। तो मुझे लगता है, मेरा अपना मानना है, एयरपोर्ट के आने के बाद भी प्राइस बढ़ेंगे। कुछ लोग का ये कंसर्न होता है कि प्राइस डाउन आते हैं, मैंने कभी ये नहीं बोला कि इतना बढ़ने के बाद यहाँ पे अनटिल अनलेस कोई बहुत मेजर रुकावट आ जाए, हर्डल आ जाए तो प्राइस हल्का फुल्का डाउन आएंगे। यहाँ पे जो डाउन आने का प्राइस है मैं उसको करेक्शन बोलता हूँ। अगर आप ट्रेंड्स देखें, 30% बढ़ा और 5% अगर गिर गया तो वो एक करेक्शन है, वो प्राइस डाउन होना नहीं है। ट्रेंड्स में यही हुआ है हमेशा से, प्राइस जो बढ़ता है 10% बढ़ा 2-3% गिर गया, 20% बढ़ा 3-4% गिर गया, 30% बढ़ा 4-5% गिर गया। सो सेम जो फंडा है ये रिपीट होना है। रुक सकता है प्राइस,
एक महीने, 2 महीने, 3 महीने रुक सकता है, हल्का फुल्का करेक्शन आएगा, फिर जंप करेगा। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो रही है यहाँ पे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे से भी कनेक्ट हो रहा है, यमुना एक्सप्रेस वे से ऑलरेडी कनेक्टेड है, मेट्रोज वगैरह सब आ रही हैं। तो ये तो आप हर एक वीडियो में सुनते रहते हैं, हमारे भी वीडियो, दूसरे भी लोग बताते रहते हैं क्या क्या प्रोजेक्ट आ रहे हैं। आजकल प्रोजेक्ट्स की इंफॉर्मेशन लगभग हर यूट्यूबर आपको दे रहा है। तो मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं इसी के साथ। होपफुली आपको ये पता चल गया होगा कि मेरा 1 साल के बाद क्या रिटर्न होगा, क्या इन्वेस्टमेंट होगा। मोटे मोटे शब्दों में मैं अगर क्लोजली इसको फोरकास्ट करूं तो मेरा मानना यह है, जो 1 करोड़ 90 लाख का 300 मीटर का प्लॉट है, एयरपोर्ट खुलने के बाद वो 2.5 से 3 करोड़ का हो जाएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करता हूं कि विच इज बेस्ट टू बाय, रजिस्टर्ड प्लॉट और अनरजिस्टर्ड प्लॉट। तो ये इसमें अगेन मैं रिकमेंड करूंगा रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड वाला देखें, लेकिन अगर किसी को मिनिमम रिस्क चाहिए, बिल्कुल सेफ्टी चाहता है, उसको कंप्लीशन भी बना सकता है, उसको लैंड बिल्कुल सेफ चाहिए, वो रजिस्टर्ड में जाता है। जो इन्वेस्टर होगा उसको लंबा होल्डिंग पीरियड चाहता है, वो तो वो अनरजिस्टर्ड में जाएगा। और कुछ ए पार्ट बी पार्ट का भी वो है, वो आप डिस्कस कर सकते हैं फोन में। तो जो अपना जो बी कंपोनेंट ज़्यादा एडजस्ट करना चाहते हैं वो अनरजिस्टर्ड में जाते हैं, और बाकी जो रजिस्टर्ड प्लॉट्स के अंदर जो है आपका जो चेक अमाउंट ज़्यादा होता है, तो इस वजह से रजिस्टर्ड प्लॉट में जाते हैं। लोन हो जाता है रजिस्टर्ड में, जिन लोगों को लोन लेना है वो रजिस्टर्ड प्लॉट में जाते हैं। प्लॉट डिमार्केटेड होता है, डेवलप्ड होता है, उसमें जा सकते हैं। एक और ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन आता है इसमें, ऐसे अनरजिस्टर्ड प्लॉट हैं जो रजिस्टर्ड वाले के बराबर नहीं है, मतलब अथॉरिटी का लेटर आ चुका है लेकिन प्लॉट रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, तो वो भी अच्छा ऑप्शन है। जिन लोगों को थोड़ा रिस्क लगता है वो उसमें जा सकते हैं, अनरजिस्टर्ड लेटर वाला ले सकते हैं, डेवलप्ड पॉकेट में ले सकते हैं, उसके अपनी रजिस्ट्री करा सकते हैं। तुरंत ही जैसे ही आपका ट्रांसफर लेटर आ जाएगा तुरंत आप अपनी रजिस्ट्री करा सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में ऑलरेडी लेटर आया हुआ है। तो और डिटेल में डिस्कस करने के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि विच प्लॉट इज बेटर टू बाय, वेदर इट इज अ रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, तो उसमें आप हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं कवर करता हूं, हाउ टू अवॉइड एनी फ्रॉड डील्स इन प्लॉट्स ऑन इन इन ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस वे। देखिए मेरा मानना है कि यमुना एक्सप्रेस वे पे आपके साथ जो नए इन्वेस्टर हैं, जो पुराने हैं उनके साथ तो ये कंसर्न नहीं है, लेकिन जो नए नए लोग आते हैं, बाहर से आ रहे हैं और बड़े कॉशियस हैं, या उनका एक्सपीरियंस पास्ट में बिटर रहा है, उनके लिए कि कहीं फ्रॉड ना हो जाए, कहीं हमारे साथ धोखा ना हो जाए, तो इसके लिए कैसे अवॉइड कर सकते हैं। इसके लिए बेस्ट ये है कि आपको प्रोसेस से चलना है, आपको जो पेपर्स हैं उससे आपका सेटिस्फेक्शन कंप्लीट होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि ये प्रोसेस कैसे काम करता है। यमुना में कोई भी फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि प्लॉट जो है अथॉरिटी में ट्रांसफर होता है, अथॉरिटी में सारे जो ऑनर्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन होती है, अथॉरिटी में एक फाइल की कॉपी होती है, आप उसको देख सकते हैं। अथॉरिटी में जाके आपका जो ब्रोकर है जिससे आप डील कर रहे हैं, आप उसके साथ जाएंगे तो वो आपको फाइल वेरीफाई करा के दिखा देगा, एक कॉपी वहां होती है, एक सेलर के पास होती है। आप किसी ब्रांडेड कंपनी के साथ जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्क्वायर मीटर के साथ जाते हैं तो स्क्वायर मीटर एक रेपुटेटेड कंपनी है, हमारी काफ़ी पुरानी कंपनी है, 4 साल हो गए हैं स्क्वायर मीटर्स को, और बहुत अच्छा ब्रांड मार्केट के अंदर है, एक स्क्वायर मीटर है, यमुना में लीडर हैं हम, काफ़ी सारी इन्वेंट्री हमारे पास रहती है, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं हमारे पास। तो बाकी मेरे तारीफ करने से कुछ नहीं होगा, आप फीडबैक ले सकते हैं, लगभग हर प्लेटफॉर्म के ऊपर आप स्क्वायर मीटर का आपको नाम मिलेगा, फीडबैक है, जितने भी ब्रोकर्स हैं ग्रेटर नोएडा के, यमुना के ब्रोकर्स हैं, दे आर वेरी वेल अवेयर के स्क्वायर मीटर्स क्या ब्रांड है। तो स्क्वायर मीटर के अलावा और भी बहुत सारे ब्रांड हैं, मैं अपने चैनल पे तो उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप किसी रेपुटेटेड ब्रांड या ट्रस्टेड अपने ब्रोकर के साथ जाएंगे तो ही विल बी अ एसेट। अ गुड ब्रोकर इज एसेट, ही कैन बी एसेट, एंड और बैड ब्रोकर कैन बी अ लाइबिलिटी फॉर यू। तो जो ब्रोकर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लिए। तो फ्रॉड की डील्स यमुना अथॉरिटी में आप जाके पेपर्स चेक कर सकते हैं, अगर अच्छा ब्रोकर है तो वो आपका सारा सेटिस्फेक्शन करेगा, आपके 10 out of 10 क्वेश्चंस को आंसर देने की कोशिश करेगा। तो इसमें ओरिजिनल्स के नाम पे एक ओरिजिनल अलॉटमेंट लेटर होता है और ओरिजिनल पेमेंट रिसिप्ट होती हैं, तो ये आपको मिलती हैं। बाकायदा अथॉरिटी की एक ट्रांसफर किट है, कुछ एफिडेविट्स होते हैं वो आपको साइन करने होते हैं ट्रांसफर पे, और शुरू में इनिशियल पेमेंट्स दे सकते हैं, 5% 10% की पेमेंट देके 90-95% पेमेंट आपको ट्रांसफर पे देनी होती है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई फ्रॉड की गुंजाइश है, तो हमारा जो एक्सपीरियंस है बड़ा स्मूथ एक्सपीरियंस है हमारे कस्टमर्स के साथ, कहीं पे कोई ऐसा
हमारा कोई कंप्लेंट नहीं है या हमने भी नहीं सुना जो दूसरे ब्रोकर के साथ है, अनटिल अनलेस कोई डिस्प्यूट हो जाए, बायर और सेलर के बीच में डिस्प्यूट हो जाए उसमें। अदरवाइज यहाँ पे बहुत कम चांसेस है, सारा पेपर वर्क अथॉरिटी में नीट एंड क्लीन होता है, सेलर का वेरिफिकेशन होता है, ये सारा काम यहाँ पे होता है। एक क्वेश्चन है कि काफी सारे जो नए लोग आते हैं उन्हें लगता है कि जो प्राइजेस हैं वो प्राइजेस बहुत ज्यादा महंगे हैं और पता नहीं ये सही प्राइस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, तो ये क्वेश्चन भी हम कवर कर रहे हैं आज इसमें। देखिए, यमुना का काम आजकल ग्रेटर नोएडा के प्रॉपर्टी डीलर्स ही नहीं कर रहे हैं, नोएडा के भी, दिल्ली के भी, गाजियाबाद के, गुड़गांव के काफी लोग, और यमुना एक काफी पॉपुलर ब्रांड हो गया है। तो ऑनलाइन आपको बहुत सारे पोर्टल्स मिल जाएंगे, प्राइजेस मिल जाएंगे, कहीं पे भी आप फोन करेंगे, आप चार पांच जगह आपको फोन फोन करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही हाई होगा, तो इस वजह से आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आप चार पांच जगह फोन करेंगे तो आपको एक्यूरेट प्राइजेस मिल जाएंगे, बहुत जगह सेम प्राइजेस लगभग मिलते जुलते 1-2 लाख रुपए का ऊपर नीचे अंतर होगा, ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं आएगा। अब जो मैं एक क्वेश्चन कवर कर रहा हूं वो है कि कंप्लीशन की क्या क्लॉजेज हैं, कंस्ट्रक्शन की क्या क्लॉजेज हैं, इसके ऊपर अलग से भी हमारा वीडियो है, क्या क्या कंस्ट्रक्शन की क्लॉजेज हैं। मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूं कि यहाँ पे क्या है, जैसे अगर आपका 300 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है तो उसमें आप 75% मैक्सिमम बना सकते हैं। तो 300 मीटर में अगर मैं 75% कैलकुलेट करूँ तो 225 स्क्वायर मीटर होता है, देन उसका 50%, तो उसका 50% अगर मैं ओवरऑल कैलकुलेट करूँ तो 37.5% की आपको कवरेज मिनिमम करनी है। मतलब आपने क्या किया है, जो कवर्ड एरिया है 75% उसका 50% आपका 37.5% आपको कवर करना है। कितनी स्टोरीज बना सकते हैं आप, 2.5 स्टोरीज बना सकते हैं, अगर आपका स्टिल्ट है तो एक स्टोरी का और आपको एडवांटेज मिल जाता है। कंप्लीशन में क्या है, कंप्लीशन में जो मैंडेटरी क्लॉजेज हैं, चार दीवारी होनी चाहिए, लोहे का गेट होना चाहिए, किचन होनी चाहिए, वर्किंग वॉशरूम होना चाहिए, ये कंप्लीशन की क्लॉजेज हैं। कंप्लीशन करने वाले बहुत सारे लोग हैं। क्या कॉस्ट आती है कंप्लीशन में, आज की डेट में जो अच्छा खासा कंप्लीशन बनता है वो 13-14 लाख रुपए का बनता है 300 स्क्वायर मीटर में। नेगोशिएट करते हैं, कर सकते हैं, 12 लाख में भी कोई बना देगा, क्वालिटी का वो आपको पता रहेगा क्या है। कंप्लीशन में कंस्ट्रक्शन के साथ ही जितने भी कंप्लीशन करने वाले हैं वो आपको कंप्लीशन का सर्टिफिकेट भी देते हैं। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन की एक क्लॉज और जो मेजर क्लॉज है, सब लोग पूछते हैं कितना टाइम मिलता है बनाने का, तो रजिस्ट्री के बाद फिजिकल पोजेशन तुरंत मिल जाता है, तो फिजिकल पोजेशन मिलने के बाद 3 साल का टाइम आपको बनाने का मिलता है। अभी रिसेंट न्यूज है, वेरीफाइड न्यूज मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने न्यूज़पेपर में आर्टिकल देखा था, 2 साल का एक्सटेंशन भी है इस न्यूज को, आपको अपने लेवल पे इसको एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा। तो टोटल 5 साल का यहाँ पे मिला हुआ है, 3 साल और 2 साल का अथॉरिटी ने और एक्सटेंड किया है, इसको आप वेरीफाई कर लीजिएगा क्योंकि ये पब्लिक जो सोर्सेस से कलेक्टेड न्यूज है। एक और क्वेश्चन आता है कि विच इज द बेस्ट सेक्टर और विच इज द बेस्ट पॉकेट टू इन्वेस्ट और टू गो फॉर। इसके अंदर सभी जो मेरे क्लाइंट हैं मैं उनको यही जवाब देता हूँ, 18-20 दोनों अच्छे हैं, बिकता 18 ज्यादा है, और 18 का बिकने का रीजन क्या है कि डेवलपमेंट 18 में ज्यादा है। मैं लोगों को हमेशा अपने क्लाइंट्स को ये बोलता हूँ कि आप वो प्लॉट लीजिए जो लोकेशन जिसकी अच्छी हो, कॉर्नर हो, पार्क हो इस टाइप का, या वाइड रोड वाला प्लॉट हो, इस टाइप का प्लॉट लीजिए। इसमें भी और मैं ऐड करूंगा, जो सबसे ज्यादा डेवलप्ड पॉकेट हैं, फॉर एग्जांपल आई और जे हैं, वो सबसे ज्यादा कॉस्टली हैं, पार्कों की बाउंड्री हो गई है, ट्रीज भी वहां पे 3 मीटर 4 मीटर ऊंचे, उन्होंने प्लांटेशन काफी 2 साल पहले प्लांटेशन कर दी थी, पार्कों पे कलर्स हो गए हैं, ग्रास लगा दी है, कंप्लीशन भी वहां पे 50+ कंप्लीशंस हो गए हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे कंप्लीशन बन रहे हैं, पॉकेट डेवलप हो गए हैं, 2C है, 2A है, 3C है, 5A है, इन पॉकेट्स में जा सकते हैं, M है और उस तरफ O है, ये पॉकेट्स अच्छे हैं, इनमें आप जा सकते हैं। 45 मीटर पे जो फिल्म सिटी को रोड जा रहा है उस पर भी काफी डिमांड रहती है प्लॉट्स की, 100 मीटर से लगे हुए पॉकेट्स हैं उनमें काफी डिमांड रहती है, गोल चक्कर के आसपास जो पॉकेट्स हैं उनमें काफी सारी डिमांड रहती है, तो ये पॉकेट्स अच्छे हैं। बाकी आप फोन करेंगे तो और कंसल्ट कर सकते हैं कि कौन कौन से पॉकेट्स अच्छे हैं और किस में हमें प्लॉट लेना चाहिए। एक और क्वेश्चन है कि हमें किस में परचेज करना चाहिए प्लॉट, यमुना एक्सप्रेस वे में लें या ग्रेटर नोएडा में, ये देखो डिपेंड करता है आपका क्राइटेरिया क्या है। अगर आपको रहने के लिए चाहिए तो आप ग्रेटर नोएडा में जा सकते हैं, कहाँ पे एप्रिसिएशन अगर प्योरली इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं तो आपको यमुना पे ही लेना चाहिए।
आप कुछ लोगों को ये लगता है कि जो डेवलप्ड यमुना एक्सप्रेस वे में जंगल है अभी तो इतना नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है यमुना एक्सप्रेस वे में डेवलपमेंट बहुत फास्ट है। रॉ बेशक है लेकिन प्लान्स उसके बहुत एग्रेसिव हैं, बहुत मेजर प्लान्स हैं। हम शुरू से कह रहे हैं कि सरपास करेगा ग्रेटर नोएडा को और 100% ये सरपास करके रहेगा। आपने देखा जब हमने फोरकास्ट स्टार्ट किया था तो ग्रेटर नोएडा से यमुना एक्सप्रेस वे 1/5 था, आज नेक टू नेक आ गया है। आज अगर ग्रेटर नोएडा 100% है तो यमुना एक्सप्रेस वे की जो प्राइस है 80-85% या 90% तक आ गई है कंपेरेटिवली टू ग्रेटर नोएडा, आने वाले टाइम में सरपास कर जाएगा। अगर आपको रहना है तो यमुना एक्सप्रेस वे में आपके रहने के लिए तो नहीं है अभी इतनी जो हॉस्पिटल्स वगैरह स्कूल्स वगैरह वो तो नहीं है, लेकिन इन्वेस्टर के लिए हेवन है यमुना एक्सप्रेस वे। अगर आज आप प्लॉट लेते हैं आपको 300 मीटर का आपको लगभग 2 करोड़ में रजिस्टर्ड प्लॉट मिल जाता है, आने वाले टाइम में ये हो सकता है आपको 4 करोड़ में भी ना मिले। तो राइट टाइम है इन्वेस्ट करने का, प्रॉफिट बनाने का भी राइट टाइम है, और पॉश एरिया है आने वाले टाइम में एयरपोर्ट के पास, तो यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ग्रेटर नोएडा बेस्ट है रहने के लिए, अगर आपको घर बनाना है जल्दी मूव करना है तो आप यमुना एक्सप्रेस पे ना जाएं, आपको ग्रेटर नोएडा चाहिए। वहां पे भी इन्वेस्टमेंट में रिटर्न आएंगे बट वहां पे थोड़ा रिटर्न है, इतना रिटर्न नहीं आएगा जितना यमुना एक्सप्रेस वे पर आएगा। एक क्वेश्चन और मैं कवर करता हूं, व्हाई नॉट इंडस्ट्रियल प्लॉट्स इन रीसेल, व्हाई टू गो फॉर रेजिडेंशियल प्लॉट्स इन रीसेल। उसका मैं आंसर आपको ऐसे देता हूं कि इंडस्ट्रियल प्लॉट्स के अंदर जो सबसे बड़ा रिस्क है कि डील्स आर गोइंग ऑन जीपीए एंड एग्रीमेंट टू सेल, तो ट्रांसफर प्रॉपरली अभी होता नहीं है। ट्रांसफर होगा व्हेन योर इंडस्ट्री विल बी ऑपरेशनल, देन ओनली यू कैन गो फॉर ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी, तो तब तक एक बहुत बड़ा रिस्क रहता है। इसलिए हम रिकमेंड नहीं करते कि आप इंडस्ट्रियल प्लॉट्स में जाएं इन्वेस्टमेंट के लिए, खासकर अगर एंड यूजर है उसको इंडस्ट्री लगानी है उसकी अपनी नीड्स है तो वो रिस्क लेता है, दैट्स अप टू हिम। एक और मैं क्वेश्चन लास्ट में कवर कर रहा हूं, वैसे तो इसको बता चुका हूं, व्हाट आर द मेजर रीजंस ऑफ एप्रिसिएशन। मैंने बताया जो रीजंस हैं वो प्रॉपर प्लान्स हैं, कनेक्टिविटी है, फॉर्मूला वन सर्किट है, एयरपोर्ट है, फिल्म सिटी है, और बड़ी बड़ी मेजर इंडस्ट्रीज हैं। तो दोस्तों मैंने कोशिश की आज ये FAQ 4.0 देने की, और मैं खुश हूँ आज आपके सामने कैमरे पर आने के लिए, और मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि कैसे रिव्यूज हैं। अगर आप थैंक्स बोलना चाहें तो कॉमेंट्स में थैंक्स जरूर लिखें, एंड लेट्स सी हाउ दिस गोज। आप अगर लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा, तो इसी के लिए ही बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।